एंड्रॉइड यूजर हो तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एंड्रॉइड 10 के कुछ ऐसे खतरनाक फीचर्स जो कि आपको पहले नहीं मिल रहे थे और लिटरली एंड्रॉइड 10 में ला के आपको गूगल ने दिए हैं। और तो और अगर आपको कोई फ्रेंड है, आपका एप्पल वाला फ्रेंड मतलब iOS वाला फ्रेंड, तो वो आपको दिखाता भी होगा फेस आईडी और बहुत सारे खतरनाक फीचर। इवन आप तो अगर आईफोन 11 आपका कोई फ्रेंड लेता है तो उसमें डीप यूजर और बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे फीचर देखने को मिलते हैं जो कि गूगल को भी तो बहुत दूर है उससे। तो आज आपके इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ कुछ फीचर्स के बारे में गूगल ने जो कि इंप्लीमेंट किए हैं एंड्रॉइड 10 में, और कुछ ऐसे फीचर्स जो कि आपको iOS में सिर्फ मिलते थे पर अब आपको गूगल में भी मिलने वाले हैं, मतलब कि एंड्रॉइड में भी मिलने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं छोटे इंट्रो के बाद। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है नेविगेशन एंड जेस्चर। इसमें होने वाला क्या है कि आपका जो 3 बटन आपको देखने को नीचे मिलता है, बैक बटन, होम बटन एंड रीसेंट टैब बटन, अब इसे आप हटा के आप जेस्चर्स को भी यूज कर सकते हो, मतलब कि स्वाइप अप स्वाइप डाउन से आपका होम और बैक इस टाइप का काम करेगा जो कि iOS में देखने को मिलता था और एंड्रॉइड में भी देखने को मिलता था एंड्रॉइड 9 से लेके, पर कुछ कस्टम एंड्रॉइड से जो कि आपको एंड्रॉइड 8 पे भी आपको ये करके दिखाते थे, जैसे कि Xiaomi आपका हो गया, Realme हो गया और बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स थे जो कि आपको पहले भी प्रोवाइड करवा रहे थे, पर अब ये एंड्रॉइड 9 से बिल्कुल आप बोल सकते हो ग्लोबली सभी को मिलने वाला है और सब तो मिल भी रहा है अब, पर एंड्रॉइड 10 में ये बिल्कुल आप बोल सकते हो इसका एक नया सा लुक आने वाला है जिसमें कि आपको एक मेन बटन होगा जिससे कि आप जेस्चर एंड नेविगेशन कंट्रोल वगैरह कर पाओगे जो कि मेन हाईलाइट होने वाला है किसी भी एंड्रॉइड 10 स्मार्टफोन का। ये दूसरा जो खतरनाक फीचर जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली वो है डार्क मोड। डार्क मोड क्या है कि आप अपने सेटिंग्स और अपने पूरे फोन का प्रेफरेंस को डार्क कर सकते हो, मतलब ब्लैक कर सकते हो, कंप्लीटली उसे ब्लैक कर सकते हो। इससे होगा क्या, पहली बार बैटरी बचेगी और अगर आप फोन रात में यूज करते हो तो आपकी थोड़ी बहुत आपको आईज में स्ट्रेन कम पड़ेगी और लिटरली बहुत अच्छा भी होगा आपके एनवायरमेंट के लिए। तो अगर आप डार्क मोड या फिर कुछ नाइट आउट वगैरह कुछ जैसे इस टाइप के ऐप यूज करते हो उसके लिए आप एंड्रॉइड 10 पर अगर जाते हो तो आपको ये सब कुछ ऐप वगैरह का यूज करना नहीं पड़ेगा। और तो ये थीम कोई मेंटेन करेगा, थीम किस तरह से मेंटेन करेगा, यूट्यूब में आपको डार्क मोड मिलता है, गूगल मैप्स में डार्क मोड मिलता है, गूगल कैलेंडर में डार्क मोड मिलता है और तो आपको पूरा गूगल का एंड्रॉइड में डार्क मोड मिलने वाला है, तो थीम भी मेंटेन हो जाएगी। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो तीसरा पॉइंट है वो है इजी वाईफाई शेयरिंग। अब वाईफाई शेयरिंग बहुत जरूरी है क्योंकि अब बहुत सारे फोन से हैं, मतलब बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास जियो का सिम तो होता है पर रिचार्ज नहीं करते, वो वाईफाई मांगते हैं, आपका हॉटस्पॉट मांगते हैं, तो करना क्या पड़ता है, बार बार अपना हॉटस्पॉट खोलते हो वो तो लिटरली करना ही करना है, प्लस पासवर्ड शेयर करना पड़ता है, पर अब इतना समय कौन बर्बाद करेगा, पासवर्ड बार बार कौन उन्हें बताएगा, कौन लिख के देगा उन्हें। इससे अच्छा आपको करना क्या है, लिटरली अपने वाईफाई हॉटस्पॉट पे जाना है, जो भी वाईफाई आप शेयर करना चाहते हो पासवर्ड उस पर आपको उसको क्यूआर कोड मिल जाएगा और आप दूसरे वाले जिसमें आपको कनेक्ट करना है उससे आप स्कैन कर लो इस क्यूआर कोड को, तो डायरेक्टली आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा दूसरे वाले स्मार्टफोन से बिना किसी पासवर्ड शेयरिंग और झंझट के। तो लिटरली वाईफाई शेयरिंग बहुत आसान होने वाली है आप बोल सकते हो मेरे भाषा। चौथा खतरनाक फीचर है ये कि आपका लोकेशन प्राइवेसी पॉलिसी और ये सब को लेकर एक नया अपडेट आने वाला है। इसमें होने वाला क्या है कि आपकी जितनी भी कोई भी आप ऐप यूज करते हो, मान लो उसे लोकेशन की परमिशन चाहिए तो वो परमिशन आपको पॉपअप हो जाएगी और जब जब वो मतलब कि आप मांगेगा लोकेशन की परमिशन तो आपको उसका एक पॉपअप देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इसे बंद भी कर सकते हो कि बार बार पॉपअप ना आए, पर मान लो जैसे आप फेसबुक कोई डाटा आप यूज कर रहा है, मान लो आप अमेज़न का डाटा यूज कर रहा है तो आप चाहो तो वहाँ पर कुछ समय के लिए उसे पॉज कर सकते हो या स्टॉप कर सकते हो, तो आपको एक ओवरव्यू मिलता रहेगा कि आपका कौन सा ऐप कौन सा चीज को एक्सेस कर रहा है और किस समय एक्सेस कर रहा है और कितने देर तक एक्सेस कर रहा है और क्या लिटरली उसने लिया है, तो ये आप मॉनिटर कर सकते हो और इससे प्राइवेसी भी आपकी मेंटेन रहेगी और तो और आपका फोन भी सिक्योर रहेगा। बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट पे, तो पांचवा जो पॉइंट है वो सबसे बेस्ट वो है लाइव कैप्शनिंग। लाइव कैप्शनिंग क्या है, अब मान लो जैसे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नीचे में आपको कैप्शन देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे, मेरे वीडियोज में लिटरली नहीं आते हैं क्योंकि मैं उतना टाइप नहीं करता हूँ और लिटरली उतना कैप्शन नहीं लगाता हूँ, बहुत ज्यादा बोल सकते हो कि सर दर्द वाला काम हो जाता है। पर अब होने वाला क्या है, एंड्रॉइड 10 से अगर आप उसमें अगर आपको गूगल कैमरा डाला हुआ है तो वहाँ पे नीचे में आपको लाइव कैप्शनिंग का ऑप्शन आएगा, आप अगर उसे ऑन कर देते हो तो आपका प्रिफरेबल लैंग्वेज में नीचे में कैप्शंस वगैरह भी लिखता चल जाएगा आपका एंड्रॉइड बिना वीडियो रिकॉर्ड के भी, और आपको नीचे में कैप्शनिंग वगैरह अगर आप ऑन करते हो तो आपको नीचे में ऑफलाइन मोड में भी वो कैप्शंस दिखाएगा जो कि बहुत अच्छे हैं। और इतना देखा जाए तो अगर आप दूसरे जगह जाते हो आपको लैंग्वेज नहीं मालूम है, रीजनल लैंग्वेज नहीं मालूम है, अगर वो सपोर्ट करता है क्योंकि 81 लैंग्वेज अभी सपोर्ट कर रहा है उनमें से कोई लैंग्वेज है, तो वो लिटरली कैप्शन के जरिए आप उसे पढ़ सकते हो और आप समझ सकते हो कि लिटरली आगे वाला बंदा क्या बोल रहा है आपसे। और एक लास्ट प्रो बोनस टिप मेरे तरफ से ये जो कि एंड्रॉइड 10 में आप बोलते हो बेस्ट ऑफ बेस्ट है वो है इसका iOS का टक्कर। अब होने वाला क्या है कि आपको मालूम होगा कि iOS में फेस अनलॉक या फेस आईडी है जो कि अब सभी ने फॉलो भी कर लिया है, अब एंड्रॉइड में भी फॉलो किया गया पर बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है, पर यहाँ फेस आईडी को और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और तो और होने वाला क्या है कि कोई भी फोन अभी तक एंड्रॉइड का कोई भी फोन
फेस आईडी से ट्रांजैक्शन और आपके एप्स को अनलॉक नहीं करता है। पर यहाँ पे आप होने वाला क्या कि आपको नेटिव एंड्रॉइड में देखने को ऐसा मिलने वाला है कि आप उसी फेस आईडी से आप मतलब अपने चेहरे से ही पेमेंट वगैरह भी चला सकते हो, पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो और तो और आप अपने एप्स को भी अनलॉक कर सकते हो। तो ये सब बेस्ट फीचर मेरी तरफ से। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा बेस्ट फीचर लगा है इन 6 पॉइंट्स में से। और अगर वीडियो पसंद आई तो पता है वो क्या करना है, लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है जिससे कि मैं मोटिवेट फील करूं आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो लाऊं। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही था, मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए हर हफ्ते इसी तरह की 2 वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलता हूं मैं अगले वाले वीडियो में।